एंड वेलकम एवरीवन। आज हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होगा इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हाईटेक हॉर्टिकल्चर। बेसिकली हाईटेक हॉर्टिकल्चर है क्या? हाईटेक हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ जो हम हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को का प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के स्थान पर अब हाई टेक्नोलॉजी या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ किया जाए, ताकि बेटर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो, क्वालिटी फूड प्रोड्यूस जो है वो प्राप्त हो सके। तो हाई टेक हॉर्टिकल्चर एक वाइडली एम्प्लॉयड और एक प्रॉफिटेबल कमर्शियल प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं जो कि नॉर्मल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में या नॉर्मल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें यूज़ नहीं किया जाता। जबकि हाईटेक हॉर्टिकल्चर में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, प्लास्टिकल्चर। प्लास्टिकल्चर का मतलब है जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, जैसे हम प्लास्टिक मल्चिंग की बात करते हैं, तो जब हाईटेक हॉर्टिकल्चर में प्लास्टिक को यूज़ करके कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मल्चिंग, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिकल्चर। इसके अलावा ग्रीन हाउस कल्टीवेशन या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ग्लास हाउस हो या फिर ग्रीन हाउस हो, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके किस तरीके से प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है और ऑफ सीज़न हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा हाईटेक हॉर्टिकल्चर में हम हाइड्रोपोनिक्स, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और प्रिसीजन फार्मिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई टेक मैकेनाइजेशन और मोलिकुलर डायग्नोस्टिक जैसी प्रोसेसेस को सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी फार्मर के द्वारा हाईटेक हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो ये वेल नोन है कि जब हम ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। तो यानी कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर के थ्रू हम क्वालिटेटिव प्रोड्यूस को का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम फ्रूट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर, मेडिसिनल या प्लांटेशन क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब पर यूनिट एरिया में हाई प्रोडक्शन होगा तो रिटर्न्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी बढ़ जाएंगी, यानी कि हायर इनकम होगी और हाई रिटर्न्स होंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजीज़ की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्रॉप की सेल्फ लाइफ को इनक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जैसे कि हमने टोमेटो और कैप्सिकम में इसको अडोप्ट किया था, तो जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजीज़ का हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर में पेस्ट और डिजीज़ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे BT ब्रिंजल एक वेराइटी आई थी जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी गई थी, जिसपे जो ब्रिंजल के ऊपर पेस्ट लगता है शूट एंड फ्रूट बोरर, उसका इंसिडेंस कम हो गया था, जिससे अल्टीमेटली ब्रिंजल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी। हालांकि अभी करंटली ये यूज़ नहीं किया जा रहा, बट हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके जो भी हम न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वेराइटीज़ बना रहे हैं उनको हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर में कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस के थ्रू हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजीज़ कर सकते हैं, जिनसे कि डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया जा सकता है, क्योंकि मेरिस्टेम कल्चर को हम लेके अगर प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल और अदर डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स का जो प्रोपोगेशन है वो करवाया जा सकता है। हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट का हम एफिशिएंट यूज़ करवाते हैं और प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं, मींस जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है प्रिसाइज फॉर्म में हम वहाँ पर ही न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करते हैं। तो न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन है जो हम नॉर्मल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते हैं, उसकी तुलना में हाईटेक हॉर्टिकल्चर में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है। इसके अलावा वाटर का एफिशिएंट यूज़ होता है और हाइड्रोपोनिक्स जैसी प्रोसेस को यूज़ करके
जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई इजीली करवाई जा सकती है। वीड का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है क्योंकि हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर में प्लास्टिकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मल्चिंग की हेल्प से वीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स प्लांटेशंस या फिर फ्रूट क्रॉप्स में हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अडॉप्ट किया जा सकता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होगा पर एरिया में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स को अडॉप्ट करें, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम उनका अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और कल्टिवेटर्स के लिए या फार्मर्स के लिए इनकम जो है उसमें इंक्रीमेंट देखा जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स जैसे रोज़, जरबेरा या कार्नेशंस में यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो, कैप्सिकम और कुकुम्बर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है हाईटेक हॉर्टिकल्चर की हेल्प से, क्योंकि हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए फ्रेश रह पाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं, इसीलिए इनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस प्राप्त किए जा सकते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हाईटेक हॉर्टिकल्चर को यूज़ करके। इसके अलावा डिफरेंट प्लांटिंग मटेरियल जिनको कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किया गया है, उनको प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से उन प्लांटिंग मटेरियल की हार्डनिंग की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ प्लांटिंग मटेरियल को प्रिपेयर किया गया है तो वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है, वो प्लांट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि वो डायरेक्ट सनलाइट या फिर डायरेक्ट जो फील्ड कंडीशंस हैं उनको फेस नहीं कर पाते, इसीलिए उन प्लांटिंग मटेरियल की हार्डनिंग के लिए हमें वो प्लांट सबसे पहले प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस की वगैरह जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक हाईटेक हॉर्टिकल्चर का एडवांटेज है कि हम प्लांटिंग मटेरियल की हार्डनिंग ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्योंकि हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की डोमेस्टिक डिमांड होती है, उस डोमेस्टिक डिमांड को और क्वालिटेटिव हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की जो डिमांड है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है क्योंकि जैसे कुकुम्बर वगैरह हैं उनको हम ग्रीन हाउस में ऑफ सीजन में लगा के ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी भी उनकी बढ़ा सकते हैं, जिससे फार्मर्स को एक अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। तो ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी हो सकती है हाईटेक हॉर्टिकल्चरल के उपयोग से। इसी तरीके से हाईटेक हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का हॉर्टिकल्चर में यूज़ करके हायर प्रोडक्शन के साथ में हायर नेट इनकम प्राप्त की जा सकती है।